पूरा देश आज आजादी के जश्न में डूबा है। हमारी आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर लाल किला वो पहुंचे। लाल किला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने देश को संबोधित करने के दौरान देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर बड़ी बात कही। पीएम ने परिवारवाद को लेकर कहा कि दुर्भाग्य से राजनीति क्षेत्र इस बुराई ने देश की हर संस्थाओं में पोषित कर दिया है। दो विषयों को तो मैं यहाँ आज चर्चा करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ हमारे इन सारी चुनौतियों को कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते समाधान नहीं किए तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए तो ऊपर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया हूं, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है, मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।